ओके फ्रेंड स्टूडेंट्स, आज जी अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यह ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का 8.4 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें और बहुत ही लॉजिकल है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है तो प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि दिए हुआ है इसका कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ओके, दिस इज एक्चुअली वी हैव टू सॉल्व टर्न टू सॉल्व एज वी हैव डन बिफोर, वी विल डू द सेम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर इज गिवेन दैट यू विल राइट, हियर इज गिवेन LHS। ठीक है, तो जो दिया है उसको हम अपनी भाषा में आसान तरीके से लिख लेंगे। तो क्या दिए हुआ हमारे पास LHS में, हमको क्या दिए हुआ है उसको लिख लेंगे। दिए हुआ है हमारा कि cos a माइनस साइन ए प्लस वन बाय, क्या दिए हुआ है, cos a प्लस साइन ए है ना, और माइनस वन। ठीक है, अब इसको आप इस क्वेश्चन को अगर बुक में देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है जो कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें अगर वन है और वन के नीचे क्या आएगा तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा या कॉस होगा, तो तभी कॉसेक होगा यदि हम इसको वन बाय साइन ए लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, साइन ए से इसके न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यदि हम इसके प्रत्येक स्टेप को हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक टर्म्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे, तभी जाके हमको फॉर्मूला मिलेगा। तो यदि साइन ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले कॉस ए को भी साइन से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको आसानी से इस भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस बाय साइन ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार हम साइन ए को भी साइन से डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइन ए बाय साइन ए, और फिर वन को भी साइन से डिवाइड करना है तो वन बाय साइन ए, क्या लिखेंगे, वन बाय साइन ए। ठीक है, इसी प्रकार इसके डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास है उसको भी करना होगा, क्योंकि कॉस ए को यहाँ साइन ए से डिवाइड करना है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, फिर उसी तरह साइन ए है इसको भी हमको साइन ए से डिवाइड करना है तो यहाँ लिखेंगे प्लस साइन ए बाय साइन ए। ठीक है जी, और यहाँ माइनस वन को भी साइन से गुना भाग देना है तो हमको लिखेंगे वन बाय साइन ए, करेक्ट। ये हमने आसान से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आगे का स्टेप देखिए, आगे का स्टेप क्या करना है, तो कॉस ए बाय साइन ए क्या क्या होता है फॉर्मूला, हम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, कॉस ए बाय साइन ए बराबर होता है कॉट ए, जो कि आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हम इसके जगह पे कॉस ए बाय साइन ए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख दिए। अब देखो ये साइन साइन अगर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे, वन है ना, तो यहाँ हो गया माइनस वन, और यहाँ देखिए वन बाय साइन ए ये भी लिख देते हैं हम कि वन बाय साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक है, क्लियर। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ पूछिएगा इसमें हमसे। ठीक है, इसी प्रकार कॉस ए बाय साइन ए को हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा साइन साइन, तो यहाँ बच जाएगा वन, तो ये हो गया वन, और सिमिलरली वन बाय साइन बराबर कॉसेक ए, जो हम लोग लिखते आए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक स्टेप लिखिए, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए और कॉसेक को इधर लिख देंगे, कॉसेक ए और माइनस वन। ठीक है जी, इसी प्रकार हम इसको नीचे डिनोमिनेटर को भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, कैसे, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और
प्लस वन लिख लेंगे। अब देखिए आगे, आगे का ये है, हम इस फॉर्मूला को हटा देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला को हम यहाँ से रिमूव कर लें। तो अगर हम इसका आगे का स्टेप यहाँ लिखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉस ए के, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब एक चीज़ और लिखना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि जैसे हमने बताया था कि कॉसेक यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और इसी आइडेंटिटी को हमको यूज करना है इस चैप्टर में। तो अगर हम वन को राइट साइड में रहने देते हैं और कॉट स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर वन, हुआ कि नहीं। तो वन का जो वैल्यू यहाँ पे है, हम इसके जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए माइनस, और इसको हम लिख देते हैं क्या, वन के जगह पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसी प्रकार हम नीचे इसका डिनोमिनेटर जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको जैसे के तैसे रहने देंगे, यानी हम इसको ऐसे रहने देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला रिमूव कर रहे हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए अब आगे का स्टेप समझिए, आगे क्या करना है। तो कॉट ए को रहने देते हैं प्लस कॉसेक ए को रहने देते हैं, अब यहाँ देखिए माइनस, अब गौर से इसको समझिए, अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अगर वन का फॉर्मूला में अगर हम चेंज करेंगे तो हम दोनों में ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, गौर से समझिए इसको, देखिए ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे हमने लिखा था फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए, ये तो माइनस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए है ना, ये चूंकि वो फॉर्मूला हम बताया था आपको कि वन बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉसेक ए को ए ले लेते हैं और कॉट स्क्वायर को बी ले लेते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें तो हमारा क्या आ गया, अब देखिए नीचे क्या हो गया हमारे पास जो है वो रहने देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा, और देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर रख दें तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी देखिए हमको हमारे पास क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर हम इस दोनों को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर हम इसको कॉमन ले लें तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा वन, नहीं अगर इसमें और दोनों में हम कॉमन ले लें तो इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक यानी कॉसेक या कॉट ए दोनों में से कोई एक अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा बच जाएगा इधर वन, और इधर क्या बच गया हमारे पास माइनस, क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास कॉसेक ए, और ये माइनस अगर है माइनस कॉमन ले तो क्या बच जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉट ए, नहीं भाई हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास है नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, है ना। तो इसको हम अपने तरीके से जैसे आप समझ रहे हैं उस तरीके से लिखेंगे, कैसे तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कॉट ए है ना माइनस कॉसेक ए और प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं, बाय जो है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए
प्लस वन। अब देखिए ये दोनों का दोनों सेम टू सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारे को बच क्या गया, हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वही हमारा आर एच एस आ गया, है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसको जरूर एकदम मोस्ट वीवीआई हम कह सकते हैं कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हमें समझा दीजिए कि सर कहीं पे प्रॉब्लम है, हम उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिए कि कहाँ और कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कैसा लगा ये प्लीज़ बताइए हमको, ठीक है, ओके।